Hey guys, what's up? It's welcome back to my next अंदर ब्लॉक बेबे। सो आज मेरे लंगोटे यार वो खुद की गांव का वाटरफॉल दिखाने वाला है, वो भी छोटा सा, वो भी बस बारिश की मौसम में दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि वो जितना भी बारिश का पानी है ना वो जमा होके वो नीचे गिरता है। सो उसको देखने के लिए जंगल रास्ता से गुजरना पड़ेगा, बस छोटा सा रास्ता, वो भी पता नहीं पानी से शायद रास्ता बना है, बारिश की पानी से है ना। आजा आजा। और यहाँ पे दो मेंबर जुड़ गया, एक इधर, ये नया ब्लॉगर है, नया चैनल खुला है तो वो ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा है। और वो देखो लंगोटे यार कैसे ब्लॉग बना रहे, देखो अबे पोटी कर रहा है क्या। चल यार शर्मा रहा है वो, चलो चलते आगे की ओर। ब्रो बनाते रहो, फर्स्ट टाइम है ना, वही तो कोशिश करते करते सब कुछ हो जाएगा ना। सो हिंदी भी ऐसा नहीं होते, नो प्रॉब्लम भाई, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, बस बनाते रहो। और जो यहाँ का व्यू है वो यही है, चारों तरफ हरियाली है, हरियाली और हरियालियों के बीच ये न्यू ब्लॉगर, पुरानी ब्लॉगर, बस वही है। एंड पता नहीं और कितना दूर है, लंगोटिया जरा बताओगी कितना दूर है? और ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे है थोड़ा पासी। हाँ पासी है। चलो तो उसको थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है ना, वो दिक्कत है थोड़ा, इसलिए उसका, मेरा भी है लेकिन मेरा उतना भी नहीं है, चल जाता है मेरा तो। फाइनली आधा घंटा चलने के बाद पानी दिख चुका है, अभी पता नहीं और कितना अंदर जाना पड़ेगा। लॉल बस वो क्या बोलता है ना इसको, ये मतलब बारिश के मौसम में निकलता है ना ये ऐसा करके, क्या बोलता है यार, लीच लीच लीच, इंग्लिश से लीच को कहता है, बस वो ना देखे यार, मेरे को बहुत डर लगता है वैसे भी, थक गया भाई। एंड अभी तो जिस किसने भी लाइक कमेंट कुछ भी नहीं किया, पटक से कर देना भाई। और अभी फाइनली यहाँ से दिखाई दे रहा है वाटरफॉल, जो वो रहा वाटरफॉल तो दिख गया लेकिन जो रास्ता है ना वो बिल्कुल जंगली रास्ता है। पास से कुछ इस तरह से दिखाई देता है वाटरफॉल, जो बारिश की मौसम पे बस दिखाई देगा ये वाटरफॉल, क्योंकि बारिश का पानी जितना भी जमा होता है ना बस वो ही गिरता है इधर से, लेकिन अच्छा है भाई, पानी वैसे यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ से तो OMG मैन, शायद नहाने से बीमार पड़ जाएगा। और ये बंदर लोग देखो उधर उठने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर, अगर किसे स्लिप करके गिर गए ना तो गया भाई, टट्टा भाई भाई। एंड अभी मुझे बहुत लग रहा है गर्मी, क्योंकि मैंने ये ट्रैक सूट पहना था, वो भी सुबह पे बारिश आया था ना तो मेरे को बहुत लगा था ठंड, ठीक है, इसलिए मैंने ये पहन के आया, लेकिन अभी लग रहा है गर्मी क्योंकि पहाड़ ऊपर चढ़ के आया, इधर तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत किया यार, बस आप लोगों की दुआ से सही सलामत पहुंच गया यहाँ तक। मैं ये क्यों कह रहा हूँ वो भी आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ये पूरा जंगल है, ठीक है, कहीं पे सांप वगैरह अगर मेरे को मिल जाता ना तो मैं रिटर्न चला जाता है, कि मुझे जानवरों से बहुत डर लगता है यार। और ये लोग बंदर की तरह पता नहीं ऊपर क्या कर रहा है, अगर किसी भी करके स्लिप करके अगर गिर गया ना तो गया भाई, जानवरों से तो इतना डर ना नहीं चाहिए, वो उन लोगों का इलाज है, लेकिन अगर यहाँ से गिर गया ना तो हाथ पैर टूट जाएगा वरना सर फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो बस बंदर ही बंदर है। फाइनली इतना बुलाने के बाद वो लोग नीचे आ रहा है। लॉल यार अभी यहाँ से चलते हैं, जाना पड़ेगा भाई वरना बारिश आएगा शायद, आसमान क्योंकि काला काला दिख रहा है, और मेरे पास अगर ये भीग गया ना तो पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, इसलिए जल्दी से निकलना पड़ेगा यहाँ से। फाइनली वहां से आने के बाद अभी भूख लगा है इसलिए ये परोठा खाएगा, एक एक करके भाई, रोक रहा नहीं है, गरीब है हम लोग। अभी फाइनली मेरा खाना हो चुका है कम्प्लीट, और इस जगह का नाम है जिकाबरी, जो वाटरफॉल है ना वो जिकाबरी है, और मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम लोग यहाँ पे आए, क्योंकि ये बस बरसात के मौसम पे दिखाई देगा, और जब बारिश आएगा तभी दिखाई देगा वरना नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये बारिश का पानी सब वाटरफॉल से गिर रहा है, इसी कारण वाटरफॉल है भाई। सो आज के लिए बस इतना, मुझे दोस्तों कोई ब्लॉग पसंद पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, टिप्स ओके जानो तू धीम धीम ना, धीरे धीरे जरा दम लेना, प्यार से जो मिले गम लेना, दिल पे जरा वो बम